हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ अंडर आई प्रॉब्लम की। जैसे कुछ लोगों को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, रिंकल की प्रॉब्लम है, आईज़ में पफिनेस हो जाती है, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा फुल फेस का स्प्रे बना के रखा है। लेकिन एक टोनर टाइप का है, लेकिन आपको इसको अगर स्पेशली जिनको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, अगर वो लोग इसको यूज़ करेंगे तो वो देखेंगे कि उनकी कितनी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे मैंने एक कप गर्म पानी लिया हुआ है क्योंकि मुझे ग्रीन टी इन्फ्यूज़ करनी है, तो ग्रीन टी बना लेंगे। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से फुल होती है और ये सब लोग जानते हैं कि आपके डार्क सर्कल के लिए ग्रीन टी का बहुत इफ़ेक्ट होता है। आप लोग देखेंगे कि कितना हद तक वो डार्क सर्कल कम कर लेती है। लेकिन हम लोग मार्केट से हैवी क्रीम्स लेते हैं, बहुत कॉस्टली चीज़ें लेते हैं, मगर असर कुछ नहीं होता। आप इन सब चीज़ों को ट्राई कीजिए, आपके अंडर आई में जितने भी डार्क सर्कल हैं वो सच में कम हो जाएंगे। तो ये ग्रीन टी को मैं इन्फ्यूज़ कर रही हूँ गर्म पानी में, फिर उसके बाद इसको कूल करना है। और सिर्फ 30 ml ही आपको इसका पानी यूज़ करना है, 30 ml से ज़्यादा पानी आपको यूज़ नहीं करना है। पर बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ता है क्योंकि वो इन्फ्यूज़ अच्छे से नहीं हो पाती कप में। तो ये इन्फ्यूज़ हो चुकी है, मुझे बहुत अच्छे से मिल चुका है इसका एक्स्ट्रैक्ट जितना मुझे चाहिए था। तो अब मैं एक स्प्रे बॉटल में इसको डाल रही हूँ। 30 ml डालना है आपको सिर्फ। तो 30 ml मैंने यहाँ पे पानी डाल लिया है, सिर्फ 30 ml ही है। 30 ml पानी डालने के बाद इसमें अब हम डालेंगे कुकुम्बर। कुकुम्बर को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 95% उसमें वाटर होता है। और आपने देखा ही होगा लोग खीरे का स्लाइस लेके अपने आइस पे रखते हैं ताकि उनके डार्क सर्कल कम हो सकें। तो इसीलिए मैं इसमें ये खीरे का पानी आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए खीरे को, और उसके बाद उसको स्ट्रेन कर लीजिए तो वो निकल आता है। अब वो मैंने इसमें 3 स्पून ऐड किया है। अब 3 स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी आपकी अंडर आइज़ के लिए मॉइस्चराइज़ करने के लिए, उसकी पफिनेस कम करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को यूज़ कीजिए जो आपके घर में है, ना कि बाहर से इतनी कॉस्टली क्रीम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो अपडेट करूँगी जिसमें आप लोगों को एक मसाज ऑयल और एक अंडर आई क्रीम भी मैं बताऊँगी। जब ये तीनों चीज़ें आप अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डार्क सर्कल कितने कम हो चुके हैं। मगर ये जो मैंने बनाया है टोनर, ये टोनर आप उन्हें फुल फेस पर स्प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था एक विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई आइज़ के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। विटामिन ई ऑयल जो है वो आपके डार्क सर्कल को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे ये टोनर जो है वो बनके तैयार हो चुका है। आप इसे सुबह शाम जब भी फेस वॉश करती हैं उसके बाद स्प्रे कीजिए। समर टोनर है तो आप सुबह शाम दिन में कितनी भी बार इसको स्प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये टोनर आप देखेंगे आपके अंडर आइज़ की प्रॉब्लम को तो दूर करेगा ही, और आपकी स्किन को बहुत ब्राइट करेगा क्योंकि इसमें ग्रीन टी है, कुकुम्बर है, विटामिन ई है, रोज़ वाटर है। तो प्लीज़ आप इस टोनर को यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस टोनर ने आपके डार्क सर्कल पे कितना वर्क किया। मेरे और इस टोनर को आप 15 डेज तक रेफ्रिजरेट करके यूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।